अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान ज़फ़र है। मैं पिछले 5 साल से MLS में एज आ केमिस्ट्री टीचर सर्व कर रहा हूँ। मैं जब इस इंस्टीट्यूट में आया तो मैंने इस इंस्टीट्यूट में 2 चीज़ें पाईं। एक तो चीज़ ये थी कि हमने रिजल्ट प्रोवाइड करना था। सेकेंडली चीज़ जो मुझे यहाँ गाइड की गई वो ये थी कि हमने बच्चों के करेक्टर पर बहुत फोकस करना है। करेक्टर बिल्डिंग के ऊपर हमारा ख़ास फोकस था। उसके लिए हमने सेटअप में एक जो ख़ास चीज़ की, जिसका हमारे पहले रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर ज़ुबैर इलाही ने बात की, कि हम सबसे पहले जो मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं अपना सेटअप, वो करते हैं मॉर्निंग असम्बली से, जिसके अंदर हम जो है कुरान पाक की तलावत करते हैं बतरजुमा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत खुशी से बताऊँगा आपको कि 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन हर साल ही हम एक दफ़ा वो कुरान पाक ख़त्म करते हैं बतरजुमा। उसके अलावा जो है हमारा जो इस्लामियात का पीरियड होता है, जो हमारे इस्लामियात की टीचर हैं माशाल्लाह उनका जो है बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि वो करेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बाकायदा पीरियड्स लेती हैं, और हर टीचर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो करेक्टर के ऊपर फोकस करें, करेक्टर बिल्डिंग पे बच्चों के करें। जिस तरह हमारे पास ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि कुछ पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरी बात नहीं मानता, या हम इसको कहते हैं ये उस बात पे अमल नहीं करता। तो इसके लिए हम बच्चों को फिर डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, हम उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम डिफरेंट फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, अपना 14 अगस्त का है, 6 सितंबर का है, उसके अंदर हम उनको स्पीच देते हैं, हम उनको मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं, जिसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आप को, अपने माइंड को, अपने हर्ट को कैसे अपने कंट्रोल में रखना है, और अगले की बात सब्र तहम्मुल से सुनकर और उसका जवाब देना। बेसिकली जब हम बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं, बच्चों के ऊपर वर्क करते हैं, तो उसका रिजल्ट ऑफ कोर्स हमें मिलता है। उसका मैं बल्कि ये कहूँगा कि बेस्ट रिज़ल्ट हमारे सामने ये आता है कि जब हमारे पास बच्चा एक, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, ऑलमोस्ट को करिकुलम एक्टिविटीज़ का हम उन्हें कहते हैं, जबकि आएँ आप हमारे साथ आगे कदम बढ़ाएं, आप हमारे साथ परफॉर्म करें, तो वो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, निल होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे सेटअप में हिफ्स सेक्शन भी है, जिसके अंदर बच्चे हिफ्स भी कर रहे हैं माशाल्लाह। और उधर से बच्चे जब हमारे पास आते हैं 8th, 9th, 10th में आकर, तो माशाल्लाह वो जहाँ स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो अखलाकियात तौर पर भी बहुत आगे होते हैं।